हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीआर फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको इस नेट फैब्रिक से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ली है और इस पेस्टिंग पेपर की लंबाई 5.25 इंच है। और आपको जिस कपड़े पे डिज़ाइन बनाना है उस कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से आपको पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई को रखना है। और उसके बाद मैं एक कार्डबोर्ड का पीस ले रही हूँ और इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.25 इंच है। और फिर पेस्टिंग पेपर के ऊपर से 1/2 इंच पर मार्क करके यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और फिर पेस्टिंग पेपर के सेंटर से कार्डबोर्ड को रखना है और इसे पेस्टिंग पेपर पे ट्रेस करना है। और यहाँ से थोड़ा गैप रखते हुए हमें आगे आगे कार्डबोर्ड को रखते जाना है और कार्डबोर्ड को पेस्टिंग पेपर के ऊपर ट्रेस करते जाना है। मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह रखते हुए पूरे पेस्टिंग पेपर पे ट्रेस कर लिया है। और फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ एक सीधी लाइन बनानी है। यहाँ 1/2 इंच पर मार्क करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। उसके बाद मैं ये बॉटल कैप ले रही हूँ और फिर ढक्कन के सेंटर पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर इस बॉटल कैप को सेंटर पे इस तरह रखेंगे और इसे पूरे लाइन के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। बॉटल कैप को रखते हुए मैंने पूरे लाइन के ऊपर इसे ट्रेस कर लिया है। और फिर हमने ये जो डिजाइन बनाया है उसके अंदर की ये जो पेस्टिंग पेपर है उसे कट करना है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैंने डिजाइन के अंदर जो पेस्टिंग पेपर थी उसे कट कर लिया है। इस तरह से आपको बड़ी सफाई के साथ डिजाइन के अंदर की पेस्टिंग पेपर को कट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया है उस पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है अब उसे कट करेंगे। इसे बहुत ध्यान से कट करना है, डिज़ाइन नहीं कटनी चाहिए। मैंने यहाँ डिज़ाइन के किनारे पे जो एक्स्ट्रा बुकरम थी उसे कट कर लिया है। और फिर अब हमें इस पेस्टिंग पेपर को कपड़े की उल्टी साइड पे आयरन से चिपका लेना है। मैंने पेस्टिंग पेपर को कपड़े की उल्टी तरफ आयरन से चिपका लिया है और नीचे की तरफ से इतना कपड़ा छोड़ते हुए आपको पेस्टिंग पेपर को चिपकाना है। और फिर ये जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो फैब्रिक है अब हमें इस फैब्रिक को कट करना है। मैंने यहाँ डिज़ाइन के अंदर के फैब्रिक को कट कर लिया है और यहाँ किनारों पे थोड़ा फैब्रिक छोड़ दिया है। और फिर किनारों पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और मैं डिज़ाइन के किनारों पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। और फिर डिज़ाइन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं आप उसे उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे।
फ्रेंड्स आप यहाँ डायरेक्ट फैब्रिक ग्लू से कपड़े को फोल्ड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह करने से बहुत टाइम लगता है और ये जल्दी फोल्ड भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको आयरन से एक्स्ट्रा कपड़े को उल्टी साइड पे अच्छे से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपको कपड़े पे फैब्रिक ग्लू लगाना है। ऐसा करने से कपड़े बहुत आसानी से उल्टी तरफ फोल्ड हो जाते हैं। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ों को उल्टी साइड पे फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले कपड़े को उल्टी साइड पे आयरन से अच्छे से फोल्ड करना है और उसके बाद आपको कपड़े पे फैब्रिक ग्लू लगाना है। इस तरह करने से कपड़े बहुत फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन के अंदर के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ नेट फैब्रिक के कुछ टुकड़े ले रही हूँ और यहाँ पे मैं ये कार्डबोर्ड का पीस ले रही हूँ जिसको पहले हमने डिज़ाइन बनाते वक्त यूज़ किया था, और हमें इस कार्डबोर्ड से बड़े साइज के नेट फैब्रिक कट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-6 नेट फैब्रिक कट करके रखे हैं। और उसके बाद आपको एक पेपर लेना है और उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाकर नेट फैब्रिक को पेपर के ऊपर चिपकाना है। मैंने नेट फैब्रिक को पेपर पे चिपका लिया है। उसके बाद हमें नेट फैब्रिक को डिज़ाइन के अंदर इस तरह से सेट करके रखना है और फिर हमें डिज़ाइन के चारों तरफ सिलाई लगानी है। मैंने सभी डिज़ाइन के अंदर नेट फैब्रिक को अटैच कर दिया है और उल्टी साइड पे नेट फैब्रिक के साथ में जो पेपर लगे हैं अब उसे निकाल देना है। और फिर यहाँ थोड़ा नेट छोड़ते हुए अब एक्स्ट्रा नेट को कट कर लेंगे। उसके बाद मैं कपड़े की एक पट्टी ले रही हूँ और पट्टी को एक तरफ से फोल्ड करके मैंने उस पर सिलाई लगा ली है। और फिर पट्टी को हमें इस तरह सीधा रखना है और फिर पट्टी की सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करें, कपड़े को इस तरह से रखना है। और फिर हमने जो डिज़ाइन बनाया है अब उस पे सिलाई लगाएंगे। मैंने डिज़ाइन के किनारे पे सिलाई लगा लिया है। उसके बाद अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं
उन्हें कट करेंगे। और फिर यहाँ डिज़ाइन के सेंटर पे अच्छे से कट लगाना है। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। कपड़े को सीधी तरफ पलट के यहाँ पे अच्छे से आयरन लगा लेना है। मैंने कपड़े को सीधी तरफ पलट के अच्छे से आयरन लगा लिया है। और फिर मैं यहाँ पे ये स्टोन्स ले रही हूँ और फिर मैं इन स्टोन्स को डिज़ाइन के ऊपर चिपकाऊंगी। मैंने स्टोन्स को डिज़ाइन के ऊपर चिपका लिया है और मैंने यहाँ पे गोटे की पतली वाली लेस को भी स्टिच कर दिया है। तो अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स पे, कुर्ती के घेरे पे और प्लाजो पैंट्स पे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत आसान है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह के और भी डिज़ाइंस के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।